गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 27 अक्टूबर 2022 ओवरनाइट में काफी हलचल हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। डॉलर स्लिप्स एज बेट्स माउंट फॉर लेस हॉकिश स्प्रेड, यूरो अबो पेरिटी, जीबीपी अबो 1.16, डॉलर येन एट 146.30, डॉलर रुपी अराउंड 82.12। अभी है डॉलर इंडेक्स 109.84। जैसे कि हमारा ये था कि 110.10 का हमारा एक इमीडिएट टारगेट था बेस्ड ऑन आवर आउटसाइड इनसाइड बोलिंजर बैंड सेटअप, दैट इज वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। व्हाट नेक्स्ट? अभी अगर आज कल का जो लो है दैट इज 109.63, दैट सो मोर और लेस 109.50 के नीचे अगर आज क्लोज दे देता है देन द इंडेक्स डॉलर इंडेक्स मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 107.00, उस तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज एज पर द प्राइस एक्शंस इज देयर। डॉलर रुपी आपका कल हमारा इंडियन मार्केट ड्यू टू भाई दूज मुंबई बेसिकली हॉलीडे था, दैट इज वाई हमारा डोमेस्टिक मार्केट क्लोज था। बट ओवरसीज मार्केट्स में डॉलर रुपी ड्यू टू द डॉलर इंडेक्स पार्ट एंड अदर एक्टिविटीज ऑन यूरो जीबीपी येन ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो सीएनवाई, तो रुपी काफी अप्रिशिएट हुआ है। जैसे कि हमारा एनालिसिस था ये वाला ब्रेकआउट ऑन 19 अक्टूबर ऊपर की तरफ जाने के बाद 20 अक्टूबर को दोबारा इमीडिएटली ये रेंज के अंदर में आ चुका था। एंड हमारा जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो एक्टिविटी हुआ है वो प्रीवियस ब्रेकआउट की तरह नहीं हुआ। प्रीवियस ब्रेकआउट में एक बार ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा रेंज के अंदर में आया नहीं था, वेदर इट इज हेयर, वेदर इट इज हेयर और वेदर इट इज हेयर एनी हेयर। तो इस ये जो ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ जो आपका 83.29 की तरफ लेके गया था हाई, तो दिस ब्रेकआउट वाज लिटिल डिफरेंट देन द अर्लियर वंस, दैट वाज आवर एनालिसिस। तो अभी हमने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों में ये दोबारा पूरा का पूरा नॉट ओनली दिस रेंज के अंदर में आया बट ऑल्सो द प्रीवियस रेंज के अंदर में घुस गया, दैट इज 82 का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके अंदर में आ चुका है। अभी थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद हमें देखना है कि इज इट मेकिंग लोअर हाई लोअर लो, इफ सो देन वी मे एक्सपेक्ट सम मोर एप्रिसिएशन इन आयरन। सो हमें आने वाले दिनों में ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या एक्टिविटीज हुआ है। एंड बिफोर गोइंग टू द अदर करेंसी पेयर्स आई वुड लाइक टू गो कम टू दिस चाइनीज वन। ये चाइनीज वन परसों की तरफ जो आपका 107.31 के आसपास था ये काफी अलर्ट दे रहा था क्योंकि ये मंथली क्लोज अबव 7.27 7.28 विल चाइनीज यूआन टुवर्ड्स 8.10। सो लेकिन लकीली कल ये वापस काफी शार्प एप्रिसिएशन देखा गया फ्रॉम 7.33 टू 7.1850। अभी हमें देखना है ये वाला, अभी आप देखोगे कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आने के बाद बहुत शार्प अपवर्ड मोमेंटम आया था यहाँ पर भी, हालांकि ये यहाँ पर भी जो नजदीक आके फिर शार्प अपवर्ड मोमेंटम आया था, अभी ये दोबारा नजदीक आ रहा है। ये नजदीक आने के बाद क्या ये दोबारा शार्प अपवर्ड मोमेंटम करता है या फेल टू मूव हायर, जस्ट लाइक द डॉलर इंडेक्स पार्ट। डॉलर इंडेक्स पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे आया था शार्प अपवर्ड मोमेंटम, यहाँ पे आया था शार्प अपवर्ड मोमेंटम, यहाँ पे आया था इमीडिएटली ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद immediately bounce back नहीं किया था next day, that is on 24th October, so that was it was giving a indication कि ये जो यहाँ पे support line के आसपास आया उसके बाद ये immediately ऊपर नहीं गया, so it is not like the previous case। similarly Chinese yuan पे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आया, अभी क्या ये दोबारा sharp upward moment ऊपर की तरफ momentum करके फिर जो अभी फ्रेश हाई बनाया हुआ है उसको चैलेंज करेगा या नहीं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा।
अभी जीबीपी डॉलर पे जो है हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि पहले ये लोअर हाई बनाया ये लोअर हाई बनाया हुआ था, अभी हायर हाई बनाना का बाकी था। तो अभी यहाँ पे आपका हायर हाई भी बना चुका है। सो दैट बीइंग द केस अभी हमें इंतजार रहेगा लॉन्ग ट्रेड के लिए। एनी डीप एनी पार्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप दैट यू फॉलो उसके बेसिस पे हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इमीडिएट जो माइनर रेजिस्टेंस आ सकता है क्योंकि काफी ऊपर से ये फॉल आया है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा रेजिस्टेंसेस हिट करता जाएगा। सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा आपका 1.1750 से 1.1875 की तरफ, इसको ब्रेकआउट करेगा तभी जाके हम फिर फर्दर एक फ्रेश अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी लोअर हाई पहले बनाया हुआ था, अभी ए हायर हाई बना चुका है। दैट बीइंग द केस आपका करेंटली जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के यहाँ पे है। सो एनी पुल बैक डाउनवर्ड हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। यूरो आयनर में भी सिमिलरली हायर हाई हायर लो बना चुका है, एंड ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 9.9880 से 1.0080 इसके रेंज के एकदम अपर एंड में आ चुका है। अभी यहाँ पे ये क्या हल्का सा रेजिस्टेंस लेगा या ब्रेकआउट करेगा ये हमें देखने वाला बात है। बट हमें एनी डीप में भी बॉट विथ सर्टेन ट्रेडिंग सेटअप्स तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आइनर पे जो है यूरो आइनर पे तो पहले ही आपका हायर हाई बना चुका था, हायर हाई हायर लो, एंड ये फर्दर फॉलो कर रहा है। तो हमें अभी लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप के लिए एनी डीप में कोई एक पार्टिकुलर सेटअप, जिसका भी जो भी पार्टिकुलर सेटअप हो, ट्रेडिंग सेटअप हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड बेस्ड हो, चाहे वो आरएसआई बेस्ड हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड बेस्ड हो, मूविंग एवरेज बेस्ड हो, इचिमुकू बेस्ड हो, एनीथिंग एनीथिंग जिसका जो जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप के लिए सोच सकते हैं। डॉलर येन आपका यहाँ पे देखिए क्या हुआ था प्रीवियस जो 22 सितंबर को जो इंटरवेंशन बीओजे का हुआ था, उसके बाद दोबारा ये क्रॉल करके धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे आपका 21 अक्टूबर का एक मेजर इंटरवेंशन हुआ था, उसके बाद एक बाईबैक हुआ था, बाईबैक का फॉलो थ्रू नहीं था। जो यहाँ पे फॉलो थ्रू देखो पहले वाले दिन बाईबैक आया था, बायर्स रिटर्न बैक, उसके बाद क्रॉल करके धीरे धीरे ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे देखो बाईबैक होने के बाद नेक्स्ट डे अगेन सेल ऑफ। सो यानी पहले के जैसा ये था नहीं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन था ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे चुका है। अभी हमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस में एक सेलिंग सेटअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन आईएनआर में भी यहाँ पे जो डबल बॉटम था डबल बॉटम का यहाँ पे बनाने के बाद अभी ऊपर जा रहा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट ये जो है आपका इमीडिएट जो 24 अक्टूबर का है ये उसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके हम एक अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। अभी भी ये इसको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हुआ नहीं है, जस्ट एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आया है। इसको अगर ऊपर जाना है तो जो मेजर हर्डल्स है ये है मेजर हर्डल्स 0.5715, ये 5715 के ऊपर जाएगा तभी जाके हम एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी में आप देखोगे डॉलर कैंडी में यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड जो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस था उसका जो हमारा जो इमीडिएट टारगेट था 1.35 के आसपास, वो कल 1.3507 लो मार के आया है। दैट मींस ये जो आपका टारगेट है वो बना चुका है। अभी हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा ये लो को तोड़ने के लिए नीचे की तरफ, तब जाके हमारा जो इमीड नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.3120 के आसपास हो सकता है। दैट इज द टारगेट फॉर द एम पैटर्न पॉइंट। 80 डॉलर में हम देखेंगे 80 डॉलर में अच्छा खासा ये जो नीचे की तरफ बेस आउट करने के बाद, अब कल हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका 0.64 से 0.6450 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको तोड़ के ऊपर चला गया है। तो अभी ये धीरे धीरे एनी पुल बैक में भी बॉट विथ लोअर स्टॉप लॉसेस स्मॉलर स्टॉप लॉसेस हम इसको खेल सकते हैं। यूके ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे आपका 88.81 का लो बनाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर नीचे जाना है तो 88.80 के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस बन रहा है थोड़ा सा मीन्स साइडवेज टू अपवर्ड मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी नीचे की तरफ काफी बाउंस बैक हुआ है, ये आपका आफ्टर मेकिंग एन हाई ऑफ 4.33 अभी है 4.03 के आसपास। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि ये जो मेजर
ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे क्या ब्रेक डाउन करता है या नहीं करता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। ये ब्रेक डाउन करता है तभी जाके और भी सॉफ्टनेस होने का हमारा एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।